स्वागत है दोस्तों वन मिनट अपडेट्स में। टीआरपी स्कैम में गिरफ्तार पार्थदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक हस्तलिखित बयान में दावा किया है कि अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल के पक्ष में टीआरपी रेटिंग के लिए उन्हें 3 साल में 40 लाख रुपए दिए हैं और उन्हें छुट्टियां बिताने के लिए 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। ये बात टीआरपी स्कैम में पेश की गई एक अतिरिक्त चार्जशीट सामने आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को अपने पहले पेज पे जगह दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 3600 पेजों की इस अतिरिक्त चार्जशीट में दास गुप्ता, ब्रॉडकास्ट, रोमिल रामगढ़िया और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ विकास खन चंद्रानी के खिलाफ दायर की गई है। इससे पहले नवंबर 2020 को पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की थी जिसमें 12 लोगों के नाम थे। इस चार्जशीट में बार की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, दास गुप्ता और गोस्वामी के बीच हुई कथित व्हाट्सएप चैट और 59 लोगों के बयान शामिल हैं। इसमें पूरे काउंसिल कर्मचारी और केबल ऑपरेटर के भी बयान शामिल किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस ऑडिट रिपोर्ट में कई न्यूज चैनल के नाम हैं जिनमें रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, आज तक आदि शामिल हैं। इसके साथ ही उन मौकों का भी जिक्र किया गया जब बार के उच्च अधिकारियों और रेटिंग की फ्री फिक्सिंग की गई और कथित रूप से छेड़छाड़ की गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दास गुप्ता ने अपने बयान में लिखा है कि मैं अर्नब गोस्वामी को 2004 से जानता हूं। हम टाइम्स नाउ में एक साथ काम किया करते थे। मैंने 2013 में बार के सीईओ का पद संभाला और अर्नब गोस्वामी ने 2017 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया। रिपब्लिक टीवी लॉन्च करने से पहले वो मुझसे अपने चैनल की योजनाओं के बारे में चर्चा करते थे। वहीं पार्थदास गुप्ता ने कहा कि वो हमेशा हिंट दिया करते थे कि मैं उनके चैनल को अच्छी रेटिंग दिलाने में मदद करूं। गोस्वामी को ये अच्छी तरह से पता था कि मैं जानता हूं कि टीआरपी सिस्टम कैसे काम करता है। उनने मुझे इस बात का प्रलोभ दिया और भविष्य में मेरी मदद करने के लिए कहा। मैंने अपनी टीम के साथ काम करके ये सुनिश्चित किया कि रिपब्लिक टीवी नंबर 1 रेटिंग मिले। 2017 से 2019 तक काम चला होगा। इस दौरान 2017 में अर्नब गोस्वामी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए स्विट्जरलैंड और फ्रांस के लिए 6000 अमेरिकी डॉलर दिए। इसके बाद 2019 में डेनमार्क के लिए 6000 अमेरिकी डॉलर दिए। वहीं पार्थदास गुप्ता ने कहा कि 2017 में अर्नब गोस्वामी ITC होटल में मुझे मिले और 20 लाख रुपए दिए। 2018 और 2019 में गोस्वामी ने मुझे मिले और हर बार 10-10 लाख रुपए दिए। वही आपको बता दें कि पार्थदास गुप्ता के वकील अर्जुन सिंह ने इस बयान पर पूरी तरह खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान जोर जबरदस्ती से दर्ज कराया गया होगा और अदालत में टिक नहीं पाएगा, इसे सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता। वही अखबार के अनुसार गोस्वामी की लीगल टीम ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिसके वजह से हर एक अपडेट आप तक मिलती रहे।